धर्म पुराण द एसेंस ऑफ इंडिया, अध्यात्म संस्कृति संस्कार जीवन का आधार। श्री राम की सेना तीन पुलों से होकर लंका गई। राम सेतु के अलावा दो और पुल काम आए। आइए जानते हैं इस अल्पज्ञात तथ्य को। मित्रों, धर्म पुराण में आपका स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में आपको एक ऐसा तथ्य बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। ये तो बहुत व्यापक रूप से ज्ञात है कि लंका पर चढ़ाई करने, समुद्र पार करने के लिए राम जी की सेना ने करीब 40 किलोमीटर का सेतु बनाया था। रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक निर्मित इस सेतु का बड़ा भाग आज भी मौजूद है। वैज्ञानिक रूप से ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि लगभग 7000 साल पुराना ये सेतु मानव निर्मित है। इसे पश्चिमी देशों में एडम ब्रिज भी कहा जाता है। इस राम सेतु को लेकर बहुत विवाद के बाद इसके मानव निर्मित होने पर कोई शंका नहीं रह गई। Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. वहीं आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज कहती हैं, जब हमने इन पत्थरों की उम्र पता की तो पता चला कि ये पत्थर उस बलुई धरातल से कहीं ज्यादा पुराने हैं जिस पर ये मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पुल करीब 7000 साल पुराना है, जबकि इन पर मौजूद पत्थर करीब 4-5000 वर्ष पुराने हैं। Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. The rocks on top of the sand actually predate the sand. So there's more to the story. लेकिन श्री राम की सेना इतनी बड़ी थी जिसकी गिनती करना संभव नहीं था। इतनी विशाल सेना के समुद्र पार जाने के लिए एक पुल पर्याप्त नहीं था। श्री रामचरित मानस को ही ध्यान से पढ़ने पर पता चल जाता है कि इसके लिए एक ही नहीं, तीन पुलों का उपयोग किया गया था। इसके प्रमाण स्वयं श्री रामचरित मानस में मौजूद है। पहला पुल तो नल और नील नामक वानरों ने बनाया था। उनके बारे में कथा आती है कि ये दोनों देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे। बचपन में ये दोनों बहुत शरारती थे और ऋषियों का सामान उठाकर समुद्र में फेंक देते थे। परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें ये श्राप दिया कि तुम्हारे हाथ से फेंकी हुई कोई भी चीज पानी में नहीं डूबेगी। यही श्राप लंका के लिए पुल बनाने में वरदान साबित हुआ। उनके द्वारा डाले गए पत्थर पानी में नहीं डूबे और आपस में जुड़कर उन्होंने पुल का रूप ले लिया। ये पुल 5 दिन में बन गया था। इस प्रकार एक पुल तो बन गया। दूसरा पुल भगवान श्री राम के नाम के प्रताप से बना। इसमें पत्थरों पर राम नाम अंकित किया गया और उनके नाम के प्रताप से पत्थर तैरते हुए आपस में जुड़ते गए। एक पत्थर पर रा अंकित किया जाता था और दूसरे पर मा। दोनों अपने आप आपस में जुड़ते चले जाते थे। इन पत्थरों के जुड़ने से श्री राम के प्रताप से एक मजबूत पुल बन गया। अब देखते हैं कि तीसरा पुल कौन सा था। नल और नील द्वारा निर्मित पुल पर जब श्री राम जाकर खड़े हुए तो समुद्र के करोड़ों छोटे बड़े सभी जीव जंतु उनके दर्शन के लिए एक साथ प्रकट हो गए। वे उनकी सुंदरता को एकटक निहारते रहे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे एक दूसरे से सटे हुए थे। वे समुद्र में एक छोर से दूसरे छोर तक इस प्रकार कतार लगाए हुए थे कि समुद्र का जल तक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार इन जंतुओं का एक पुल जैसा निर्मित हो गया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि इन जंतुओं पर चढ़कर भी बड़ी संख्या में वानर सेना पार उतर गई। इस प्रकार ये तीसरा पुल था। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री राम की विशाल वानर सेना एक नहीं बल्कि तीन पुलों से समुद्र पार कर लंका पहुंची थी। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।